मिनट में 20 बड़ी खबरों का। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और पूरे विश्व में योग को बढ़ावा देने के लिए आज यानी 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग शहरों में सामूहिक योग का आयोजन किया गया। जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत हजारों लोगों ने योग किया, तो वहीं ग्वालियर में 3 जगहों पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांच मिल हजीरा में आयोजित योग कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर योग करते नजर आए, तो वहीं ऐतिहासिक किले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने योग किया। मुरार इलाके में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर योग करते नजर आए। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति से लेकर सीएम और पदाधिकारी तक योग करते नजर आए। जो जहां था वहीं कुछ पल के लिए ठहर गया और योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए आगे आया। एक तरफ योग करते हुए तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई, जहां उपराष्ट्रपति से लेकर पदाधिकारी तक योग करते नजर आए, तो वहीं योग की एक अलग तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीरें भोपाल से आई, जहां वंदे भारत ट्रेन के यात्री योग की मुद्रा में नजर आए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें वंदे भारत ट्रेन की हैं और इस ट्रेन में योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा ने यात्रियों के साथ योग किया, साथ ही उन्होंने योग के महत्व को भी बताया। तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रेन के अंदर अलग अलग मुद्रा में योग के कई सारे आसन करते हुए लोग नजर आए। मां नर्मदा की नगरी में करीब 750 वर्ष प्राचीन जगदीश मंदिर में इन दिनों जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की धूम है। जगदीश मंदिर द्वारा नगर में सैकड़ों वर्षों से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें देश प्रदेश से हजारों लोग शामिल होने आते हैं। आषाढ़ मास की दूज पर जगन्नाथपुरी उड़ीसा की भांति नर्मदापुरम में भी विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगदीश मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रथ यात्रा महोत्सव शुरू हुआ, जो 7 दिनों तक चलेगा। नर्मदा घाट पर स्थित श्री जगदीश मंदिर में जगन्नाथपुरी उड़ीसा की भांति ही सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इन्हीं परंपराओं के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी को सहस्त्र धारा से महास्नान करवाया गया। इसके बाद वो ज्वर से पीड़ित हो गए थे। 15 दिन के उपचार के बाद स्वस्थ होकर भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान राम सखियां और महिला श्रद्धालु भगवान की अगवानी में नृत्य करते नजर आईं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन के लिए पलक पावड़े बिछाए नजर आए। नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं और यात्री पता है किसके लिए। पहले आप पूरी तस्वीर देखिए, चीख पुकार सुनिए, फिर हम आपको इस लड़ाई की पूरी कहानी बताएंगे। देख देख लिया, सुन लिया, अब बताते हैं। ये तस्वीर रतलाम स्टेशन की है और ये ट्रेन है डेमू ट्रेन। ट्रेन रतलाम से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। लोग ट्रेन में सवार हो गए। सभी को बैठने के लिए सीट चाहिए। कोच में इतने लोग सवार थे कि सीट कम पड़ गई और फिर शुरू हो गई ये जंग सीट की। दो पक्षों में ट्रेन की सीट को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते जंग का कोच जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों तरफ से सीट के लिए लात घूंसे चले। मौके पर पुलिस पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट को रुकवाया। अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। घर में सभी खुश थे, खुश भी क्यों ना हो, इतनी चिलचिलाती गर्मी में गले को राहत जो मिलने वाली थी, सुकून जो मिलने वाला था, उन्हें उस राहत को पाने के लिए एक फ्रिज खरीदना पड़ा। लेकिन राहत सिर्फ 2 ही दिन की थी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ति का फ्रिज राहत की बजाय आफत बन गया।
और दो दिन बाद ही फ्रिज का कंप्रेसर फटने से घर में आग लग गई और इसी के साथ पूरे मकान का पिछला हिस्सा ढह गया। धमाके की आवाज सुनकर घर के आसपास मौजूद पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना मुरैना के दिमनी की है। जानकारी के मुताबिक मुरैना के नगरसेन रोड मंदिर इलाके में रहने वाले टिंकू माहौर सोमवार को अपने घर में नया फ्रिज लेकर आए थे। घर में नया फ्रिज आने पर सभी खुश थे, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिलेगा इस बात को सोचकर। लेकिन ये खुशी गम में बदल गई। कंप्रेसर फटा और घर धराशायी हो गया। घर में रखा टीवी, वॉशिंग मशीन सभी खराब हो गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिम्स में आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग अस्पताल के चौथे फ्लोर के रिकॉर्ड रूम में लगी। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पहले अस्पताल को खाली करवाया। इसके बाद फायर फाइटर्स ने अस्पताल में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी की घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर अब तक नहीं आई है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौथे फ्लोर के रिकॉर्ड रूम पर आग लगी हुई है। फ्लोर से धुएं के गुब्बारे निकल रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस क्या, प्रशासन क्या, इन्हें इनका कोई खौफ नहीं। ये खुलेआम मारपीट करते हैं, दादागिरी करते हैं। तस्वीरें देखकर यकीन हो जाएगा कि जो बातें हम कह रहे हैं वो सौ आने सच हैं। तस्वीर इंदौर की है जहां लसूड़िया थाना इलाके में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पहले इन्होंने युवक को खूब पीटा, फिर गालियां दी और फिर खुद के पैर छूने के लिए मजबूर किया। अब जो बात सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि इन बदमाशों की करतूत कैसी थी, कैसे वो युवक की पिटाई कर रहे हैं। जब पीटने से मन भर गया तो गालियां देते हुए पैर छुआ रहे हैं। ये वीडियो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस पड़ताल में जुट गई है। एक और तस्वीर हम आपको इंदौर की दिखाते हैं, जहां भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। दरअसल इंदौर के सेंट्रल मॉल के बेसमेंट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बेसमेंट में लगी आग का धुआं बाहर फैल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक आग तेजी से फैलने लगी। आग लगने से धुएं का गुब्बार बाहर आने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं बेसमेंट में लगी आग का धुआं मॉल के बाहर कैसे लोगों के दम घुटा रहा है। बाहर का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय आग लगी थी मॉल में लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन सोचिए जब सैया ही कोतवाल हो तो फिर क्या कहना। इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा कि आखिर किस कोतवाल की बात हो रही है। जी हाँ, जो सामने मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले साहस सवार हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। दरअसल ये कोतवाल बाइक में स्कूटी का नंबर लगाकर घूम रहे हैं। पुलिस अभियान चालक वाहनों की चेकिंग करती है, चालान भी काटती है और हिदायत भी देती है। एक एक वाहनों का वेरिफिकेशन और गाड़ी के नंबर का मिलान भी करती है। कानून भी सबके लिए समान है, मगर रीवा जिले के जवा थाना में पदस्थ दरोगा जी के लिए अलग कानून है। उप निरीक्षक वीपी वर्मा की हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक के नंबर पर नजर डालें तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये नंबर बजाज स्कूटी का नंबर है।
तीन साल से दरोगा जी इसी बाइक से फर्राटे मार रहे हैं। वाहन चेकिंग के नाम पर सड़क पर पुलिस आमजन के वाहन एवं नंबर की बारीकी से जांच करती है, लेकिन वर्मा जी की बाइक की चेकिंग कोई नहीं करता। बाइक का नंबर MP19E5786 लिखा हुआ है, जबकि ये नंबर बजाज स्कूटर का है। ऑनलाइन सर्च करने पर पता चला कि ओनर ताज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी कामता टोला RTO सतना दिखा रहा है। उक्त नंबर का रजिस्ट्रेशन 20 जून 2000 में हुआ है, जिसकी वैधता 23 जून 2015 है। अब ऐसे में अगर ये जानकारी सही है तो फिर वर्मा जी की बाइक में ये नंबर कहां से आया? वीडियो वायरल होने के बाद MP विवेक सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर SDOP डभोरा विनोद सिंह को जांच के लिए निर्देश दिए। अब देखना ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर है तो फिर वर्मा जी पर क्या कार्रवाई होती है। पहले शादी के दिन दूल्हे और बारातियों में जमकर मारपीट हो जाती है, फिर शादी के बाद दुल्हन की विदाई नहीं होती। जब शादी के एक महीने बाद युवक अपनी पत्नी को ससुराल लेने पहुंचता है तो ससुराल में उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मामला रीवा के मनगवा गांव का है, जहां जहर खाने से युवक की मौत हो गई। मृतक ज्ञानेंद्र पांडे के पिता अनिल कुमार पांडे ने युवक के ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता के मुताबिक उसके बेटे को फोन करके विदाई के लिए बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने कुछ तस्वीरें भी उपलब्ध करवाई हैं, इसमें देखा जा रहा है कि जहर की शीशी लड़की के पिता के हाथ में है। लड़के की हालत बिगड़ने के बाद लड़की के परिजनों ने उसे संजय गांधी अस्पताल में छोड़ा और फरार हो गए। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। सड़क हादसे की कई तस्वीरें सामने आती रहती है, कभी बाइक की टक्कर, कभी बस, कभी ट्रक की बस से भिड़ंत। लेकिन ये हादसा है तो हादसा, लेकिन थोड़ा अलग है। दरअसल राजधानी भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार बाइक सवार कुएं में जा गिरा। 20 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। बता दे, बाइक पर दो युवक सवार थे, जिसमें से एक की मौत हुई है, वहीं एक घायल है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे और नशे के कारण ये हादसा हुआ है। दोनों युवक खजूरी सड़क से भोपाल आ रहे थे, वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने शव को निकाला। देश और दुनिया में योग दिवस को लेकर उत्साह देखा गया, लेकिन जल की सतह पर योगासन करना और घंटों योग के किसी आसन की मुद्रा में सतह पर बने रहना सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन खंडवा के गणगौर घाट पर बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग जल योग करते नजर आए। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के जल योग को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तस्वीरें खंडवा के गणगौर घाट की हैं। योग दिवस पर लोग पानी पर योग करते नजर आए। लहरों के राजा ग्रुप द्वारा यहां तैराकी के साथ योग के इस खास अंदाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की ये तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। आबना नदी के गणगौर घाट पर छोटे छोटे बच्चे पानी की सतह पर कई घंटे जल योग करते हैं। इसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इससे पहले लहरों के राजा ग्रुप द्वारा तैराकी करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, युवाओं की तारीफ भी की थी। अब पानी की सतह पर यहां जल योग करने वाले घंटों प्राणायाम, पद्मासन, ब्रह्मासन, ताड़कासन, गरुणासन की मुद्रा में खड़े और बैठे रहते हैं। लगभग 4 घंटे तक ये ऐसा कर सकते हैं। जल योग करने वालों का कहना है कि ये एक तपस्या है और इसे सीखने के लिए योग और तैराकी आना जरूरी है। इसे करते समय कई खतरे भी होते हैं, लिहाजा इसे प्रशिक्षकों की निगरानी में किया जा रहा है।